अब भोजपुरी के सुपरस्टार निवर्तमान सांसद आजमगढ़ से और समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में चौंकाने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार करते करते लौट आ गए दिनेश लाल निरहुआ। पिछली बार आपने समाजवादी पार्टी को नहीं पूरे प्रदेश को चौंका दिया आजमगढ़ जीत के, इस बार तो बहुत बड़ी जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, कमल खिल रहा है और उसका कारण ये है कि हम लोग हमारे तो भी यही थे, जीते तो भी यही थे, यहाँ रह के काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हम लोग जमीनी पे धरातल पर रह के काम करने वाले लोग, ये लोग आते हैं जीतते तो भी भाग जाते हैं, हारते तो भी भाग जाते हैं और यही कारण था कि 19 में जीते थे तो भी भागे, 22 में हारे तो भी भाग गए और जनता ने हमको टाइम दिया तो हमने आजमगढ़ को 1.5 साल में चमका दिया। ये पूरा आजमगढ़ को बता दें, 1 साल की शाम से आप वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं, मोदी जी की सरकार के नाम पे, ये 1.5 साल में यहाँ जो भी हुआ वो मोदी योगी की वजह से ही हुआ। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, फिर बन रहे हैं, योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और दोनों का आशीर्वाद आजमगढ़ को प्राप्त है। यही कारण है कि जब सपा के 10-10 विधायक जीते थे तो भी वो अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए, उनके गांव की सड़क भी हम ही 1.5 साल में बनाए, पूरा आजमगढ़ को समझाए। ये कारण है कि आजमगढ़ फिर से कमल किया रहा है। ये चुनाव में आप जाना बनाए तो बाबा का बुलडोजर वाला, इस चुनाव में आपको पूरे यूपी घूम गया, चुनावी मेरी इस बात तो बहुत अच्छा चल रहा है। भारत विकसित देश बनेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मना लग रहा है और अब तो गाँव में बच्चे बच्चे आने लगे हैं कि 15 महीना भी 15 साल से ज्यादा काम करो ले बाहुआ देखो ले बा पूरा आजमगढ़ चमके लागल। देखिए पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साथ दिखाते बा आजमगढ़ के बच्चा बच्चा, निरहुआ भैया के साथ होगा क्या छेगा। अब भोजपुरी के सुपरस्टार निवर्तमान सांसद आजमगढ़ से और समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में चौंकाने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार करते करते लौट आ गए दिनेश लाल निरहुआ। पिछली बार आपने समाजवादी पार्टी को नहीं पूरे प्रदेश को चौंका दिया आजमगढ़ जीत के, इस बार तो बहुत बड़ी जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, कमल खिल रहा है और उसका कारण ये है कि हम लोग हमारे तो भी यही थे, जीते तो भी यही थे, यहाँ रह के काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हम लोग जमीनी पे धरातल पर रह के काम करने वाले लोग, ये लोग आते हैं जीतते तो भी भाग जाते हैं, हारते तो भी भाग जाते हैं और यही कारण था कि 19 में जीते थे तो भी भागे, 22 में हारे तो भी भाग गए और जनता ने हमको टाइम दिया तो हमने आजमगढ़ को 1.5 साल में चमका दिया। ये पूरा आजमगढ़ को बता दें, 1 साल की शाम से आप वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं, मोदी जी की सरकार के नाम पे, ये 1.5 साल में यहाँ जो भी हुआ वो मोदी योगी की वजह से ही हुआ। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, फिर बन रहे हैं, योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और दोनों का आशीर्वाद आजमगढ़ को प्राप्त है। यही कारण है कि जब सपा के 10-10 विधायक जीते थे तो भी वो अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए, उनके गांव की सड़क भी हम ही 1.5 साल में बनाए, पूरा आजमगढ़ को समझाए। ये कारण है कि आजमगढ़ फिर से कमल किया रहा है। ये चुनाव में आप जाना बनाए तो बाबा का बुलडोजर वाला, इस चुनाव में आपको पूरे यूपी घूम गया, चुनावी मेरी इस बात तो बहुत अच्छा चल रहा है। भारत विकसित देश बनेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, दिल्ली मना लग रहा है और अब तो गाँव में बच्चे बच्चे आने लगे हैं कि 15 महीना भी 15 साल से ज्यादा काम करो ले बाहू देव करो पवल
सोके निरहुआ देखवले बा पूरा आजमगढ़ चमके लागल पूरा आजमगढ़ चमके लागल सबके साथ देखाते बा आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथ होगा जय श्री राम।